नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर यौम अली के मुबारक दिन पर बोरवाड़ी क्षेत्र में सभी समाजों में सौहार्द और आपस में समन्वय बनाते हुए बोरा समुदाय के आमजन ने अर्थ डायग्नोसिस्ट और राजस्थान विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसके तहत ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड टेस्ट के अतिरिक्त शिविर में पहुँचे लाभार्थी की जाँच की गई। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि बोरा समाज शांति, सौहार्द और सद्भाव के लिए जाना जाता है और उसी के तहत सेवा भाव का कार्य करता रहता है, जिसे ताउम्र प्रारंभ भी रखेगा। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद सनाज बानो ने बोरा समुदाय के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते के साथ ही बताया कि शहर भर से लोग मौके पर पहुँच कर निःशुल्क चिकित्सा जाँच का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही इससे वार्डवासी को भी बहुत लाभ हो रहा है। समाज के अध्यक्ष अनिश नियाजी ने शिविर के संदर्भ की जानकारी देते हुए बताया कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बूस्टर डोज के तहत होम्योपैथी की दवाई का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसका लाभ 500 से ज़्यादा लाभार्थी उठा चुके हैं। राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में आज ये कोरोना का जो बूस्टर डोज है उसका कैंप आयोजित किया गया। इसमें मैं कुलपति हमारे प्रोफेसर शारद देवल साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे समय समय पर ऐसे आयोजन करवाते रहते हैं। और यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में बतौर डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार है, वो भी पधारे थे। और यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों ने बूस्टर डोज भी हमने उनको भी बांटी गई है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी होम्योपैथी के माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रम। कौन कौन सी जाँचें यहाँ की जा रही है अभी? इसमें हमने डायबिटीज़ की, ब्लड शुगर और ये सारा ब्लड ग्रुप वगैरह की जाँच की। क्या रहेगा मैडम, कितने बजे तक चलेगा ये? सर 2-3 बजे तक चलेगा, 4-5 घंटे का प्रोग्राम है। आज यौम अली के मौके पर हमने ये यहाँ सेलिब्रेशन रखा है और इसमें हमने अर्थ डायग्नोस्टिक के साथ मिलकर कई सारी जाँचें यहाँ निःशुल्क करवाई है और साथ में हमारा प्रोग्राम जारी है। और आज हमें मौका मिला है कि ये होम्योपैथिक के डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा साहब, विद्यापीठ के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, वो भी आज हमारे बीच तशरीफ लाए थे और हमने यहाँ लोगों को ये निःशुल्क होम्योपैथी का बूस्टर डोज भी बांटा है। और हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचे और कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि समाज के 400-500 लोगों को यह निःशुल्क दवाइयाँ प्लस ये सारी जांचें उपलब्ध कराई जाएगी। क्या फिट करना चाहिए? ये अली डे पे किया जा रहा है बोरा यूथ का, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कैंप लगा के फ्री जांचें करवाई है। और अली डे पे ये जो जितने भी बोरा समाज के अदर दूसरे समाज के सब इसका लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान विद्यापीठ के डीसी साहब सारंगदेव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो भी इस कैंप में शामिल करके ये होम्योपैथिक बूस्टर दवाई बांट रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र राजौरा जी राजस्थान विद्यापीठ के रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी बता रहे थे हमारे यहाँ। और यहाँ पर बहुत ही उत्साह है लोगों में कि दवाई ले जा रहे हैं और जांचें भी फ्री की हो रही है। इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड वासियों को किस तरह का लाभ मिल रहा है? वार्ड वासी बहुत खुश है कि मतलब मैं वार्ड पार्षद इतना कैंप लगाते हैं, कहीं से हमें फ़ायदा होता है तो हमें बुलवाते हैं। तहरीक ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में रही है हमेशा से, उसी वास्ते ये बनी भी है। हम शुरू से ही आखिर तक यही काम करते रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को आपस में मिलाने जुलाने के लिए, सद्भाव बनाने के लिए, मिलनसार बनाने के लिए सबको हम कोशिश करते रहे और आज तक कोशिश। अभी यह है कि जो कोविड और कोरोना का जो माहौल चल रहा है सारे देश में और बहुत बाढ़ भी इस देश में, लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त में। लोगों के लिए जो जो भी किसी से बन पड़ता है सब लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी बहुत किया है, बीच बीच में प्रोग्राम करते रहे हैं। आज भी ये प्रोग्राम है, सबका ब्लड शुगर देखना है, उसको देखनी है कि इस माहौल में, इस वातावरण में और इस मौसम में लोगों की हेल्थ कैसी है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस पर हमारी नज़रें रहती है और हम ये करते रहेंगे हमेशा के लिए। बोरा यूथ का एक एक आदमी इस बात के लिए तत्पर है, हमेशा तैयार रहता है
कि हम अपने लोगों के लिए, हम अपने वतन के भाइयों के लिए, हम चाहे वो कोई भी हो, सब लोग आपस में भाई भाई हैं और हम भाई बहनों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने से बन पड़ता है, हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इसी पर हम कायम हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी पर आधारित है और ये आधार हमेशा बना रहे। हम लोगों की भलाई भी चाहते हैं और लोगों का सहयोग भी चाहते हैं, दोनों ही बातें।